आप लोगों को जो चीज़ का बेसब्री से इंतजार है तो आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे भोलेनाथ को। तो ये रहे हमारे पीछे गाइस, वेलकम बैक टू मैनी ब्लॉग। तो कैसे आप सब, मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक हो गाइस। तो गाइस आज है संडे, तो सोच रहे थे हम लोग कि कहीं घूमने निकलते हैं। तो हम लोग का प्लान बना है आज सोनापुर जाने का, तो चलते हैं आज सोनापुर घूमने के लिए। सुने हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भोलेनाथ का मूर्ति है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं आज। तो मेरे साथ है इधर रोहित, देख सकते हैं धूप के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है रोहित, उधर शिवा गया नहाने के लिए, और हमारे बेटे जी यानी कि प्रकाश नारायण, आप लोग उनको जानते होंगे, बहुत ही कॉमेडी मैन है, तो वो अभी तैयार है, अभी उनका घर थोड़ा आगे है, तो उनको भी लेंगे और साथ में चलेंगे। तो आज हम लोग चलेंगे बुलेट पे, देख सकते हैं ये है हमारे प्रकाश अंकल का बुलेट, चचा का, तो लेके चलेंगे आज उनको। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं आज सोनापुर का नज़ारा और भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं, तो चलिए मेरे साथ। हमारे अंकल जी को देखिए जूता पॉलिश कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या अरे बच्चा है रे, तू बच्चा है रे, तेरा बात मानता है ना रे, वो भी बच्चा है उसका भी बात मानना होता है रे। अच्छा क्या एकदम हम लोग आ चुके हैं तेल भरवाने के लिए। तो ये हमारे अंकल जी को देख सकते हैं, अंकल जी थोड़ा मुंह दिखाइए आप अपना, इधर उधर उधर देखिए, हाँ ये रखिए गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है, उधर भी रोहित अपना गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है, और हम पीछे बैठ के मजा ले रहे हैं। गजब तो बिवाज आदमी, गाड़ी में तेल डलवा लिए हैं और चलते हैं अब सीधे सोनापुर। पीछे में है रोहित शिवा और हम हैं दोनों बात बैठा करते। क्या बात करते हैं यार, और बेटा पीछे में नहीं आ पाएगा, फिर धूला से भर जाएगा। बेचारा लोग मामू के चक्कर में फंस गया था बिना हेलमेट का, वो तो हम थे, तो कोई बात नहीं, बचा लिए, नहीं तो बच्चा लोगों का बुरा हाल होने वाला था। महान हस्ती हमारे रोहित जी और हमारे भागीना शिवा जी, क्या समझा बिना हेलमेट का मामू सबका बोली सुनने के लिए बचाने के चक्कर में। अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए एक फ्रेंड के घर, तो देखिए मोटा गेंडा को और हमारे डॉक्टर साहब को देखिए, और आप तो इनको जानते होंगे पेटू महाराज, अच्छी तरह से सिर्फ खाने के शौकीन हैं और कुछ। चुप, बिल्कुल चुप। आप लोगों को जो चीज़ का बेसब्री से इंतजार है तो आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे भोलेनाथ को। तो ये रहे हमारे पीछे भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ को, बहुत ही बड़ा मूर्ति है, देखिए आप लोग, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि दौड़ के आ रहे थे इसलिए। तो आप लोग अभी थोड़ा ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे और उसके बाद आप लोग को नीचे से थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे, तो पहले ऊपर से दिखाते हैं उसके बाद नीचे से। ये ब्रिज, और ब्रिज के जस्ट सामने ही देख सकते हैं भोलेनाथ, हर हर महादेव। लेकिन लेके चलते हैं नीचे में, तो नीचे से थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं कुछ नज़ारा यहाँ का। तो देखिए हाँ हो गया, हाँ
तो कुछ यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए आप लोग। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ काली मंदिर, यहाँ हमारे भोलेनाथ, और उधर है सभी का शमशान घाट जो कि शिवा जाने वाला है, जाने के लिए सोच रहा है। ओह क्या बैठने वाला, सिक्किम वाला फील आ रहा है यहाँ पे, दार्जिलिंग वाला से होता है वो, उधर तो हो चुका था अभी। सो देखिए बहुत ही साफ सफाई चलता है यहाँ पे, और इतना साफ सुथरा है क्या बताएं आपको। देख सकते हैं उधर है शमशान घाट, और बगल में है नदी ज़बरदस्त, और इधर है काली माता। जय हो काली माता, पहले प्रणाम कर लेते हैं, जय हो काली माता। और उधर चलते हैं पहले, और सामने में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाले हैं। देखिए चलते हैं गाइस, आप लोग एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ के कोख में ऐसा होता है, उसके बाद पैदा होने का ऐसा होता है, तब ऐसा, तब धीरे धीरे ऐसा, तब खेलता है कूदता है, उसके पढ़ाई करता है, उसके बाद थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद डांस करता है, क्या पता नहीं वो, उसके बाद थोड़ा बूढ़ापा आता है, उसके बाद देखिए थोड़ा बूढ़ा आता है, उसके बाद फिर जान गिर जाता है, उसके बाद फिर वो मर जाता है। ऐसा है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन सीन। देखिए राजा हंस नदी, और उधर हमारे कृष्ण भगवान जी, देखिए देख सकते हैं कृष्ण भगवान अपने पापा जी के साथ ऊपर में बैठ के जा रहे हैं टोकरी में, और ये प्यारा सा नदी देखिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, बहुत ही प्यारा जगह, अच्छा लगा हमको। तो गाइस अभी आ चुके हैं अपने घर पे, क्योंकि आते आते वक्त बहुत ज़्यादा ही रात हो गया था, इसलिए हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए रात में ही, तो अभी सुबह का 7 बजे शूट कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारा भोलेनाथ को दर्शन कराए वो भी कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दिए। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।